हेलो स्टूडेंट्स, मैं आनंद कुमार बोस स्वागत करता हूं आपका लक्ष्य अकेडमी द इंजीनियर्स अड्डा में। आज हम करने वाले हैं जो टेक्नीशियन को कुछ टूल्स का ज्ञान होना आवश्यक है, अपने पास जो टूल किट होती है उसमें रहना आवश्यक होता है। कुछ टूल्स के बारे में हम पहले जो प्रीवियस वीडियो हमारा निकला है उसमें हम पढ़ चुके हैं। यदि आपने वो नहीं देखा है तो आप आई बटन पर, आपको यहाँ पर लिंक दिख रहा होगा, वहां जाकर आप उन वीडियोज को देख सकते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन हमारा। आज हम पहला जो टूल्स है वो देखने वाले हैं इलेक्ट्रीशियन चाकू, जिसे हम नाइफ बोलते हैं। ये दो ब्लेड वाला एक टूल होता है। इसमें क्या होता है, दो ब्लेड होती हैं, चाकू होता है, एक ब्लेड जो होती है धारदार होती है और दूसरी कम धार वाली होती है। इससे हम क्या करते हैं, जो इंसुलेशन वायर होता है हमारा, इनेमल वायर होता है, उसका इनेमल भी साफ करने के लिए किया जाता है और इंसुलेशन कटने के काम में आता है। इंसुलेशन हटाने के लिए हम इलेक्ट्रीशियन चाकू का उपयोग करते हैं। इसका जब हम यूज करते हैं तो हमें 20 डिग्री के एंगल पर रखकर इंसुलेशन को काटना चाहिए। जैसे एक इनेमल वायर है तो हमें उसके 20 डिग्री के एंगल पर रखकर क्या करना चाहिए, उसका इंसुलेशन काटना चाहिए, जिससे क्या होगा कि हमारा जो कंडक्टर होगा उसको हानि नहीं पहुंचेगी, हमारा कंडक्टर जो होगा वो नहीं कटेगा। अगला जो टूल्स आता है हमारे पास, अगला टूल है हैमर। हैमर जो होता है कई आकार प्रकार के बनाए जाते हैं। इनके वजन के आकार के हिसाब से भी इनका वर्गीकरण किया गया है और इनके जो फेस का आकार होता है, फेस का, उसके हिसाब से क्या होता है, इनका वर्गीकरण किया गया है। अलग अलग प्रकार के होते हैं, बॉल पिन हैमर, स्ट्रेट पिन हैमर, क्लॉ हैमर, ठीक है, या क्रॉस पिन हैमर, स्लेज हैमर, रिवेटिंग हैमर, अलग अलग प्रकार के ये हैमर होते हैं। आपको डायग्राम में दिख रहा होगा इनको कौन कौन से हैमर होते हैं। तो पहला जो होता है हमारे को टेक्नीशियन को जनरली कौन सा हैमर उसके पास होना चाहिए, तो उसके पास बॉल पिन हैमर होना चाहिए। टेक्नीशियन के पास क्या होता है, 400 ग्राम का बॉल पिन हैमर रहेगा, उससे वह अपने मैक्सिमम काम कर सकता है। क्लॉ हैमर जो होता है, क्लॉ हैमर से हम कील निकालने का काम करते हैं। यहाँ जो इसका एक साइड होता है कील निकालने का होता है, इस टाइप से इसकी आकृति होती है जिससे कील फंस कर इससे निकल जाती है। फिर इसके बाद आता है रिवेटिंग हैमर और जो होता है हमारा क्रॉस पिन हैमर और जो होता है स्ट्रेट पिन हैमर। तो ये क्या कहते हैं, पतली चादरों को नाली नुमा आकार प्रदान करने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। इसके बाद आता है सेंटर पंच। सेंटर पंच क्या होता है, सेंटर पंच जो होता है आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, सेंटर पंच का हम यूज जैसे हमें कहीं पर ड्रिल करना है या फिर निशान बनाना है तो उससे हम क्या करते हैं, किसी चद्दर पर या फिर कहीं पर हमें निशान बनाना होता है तो हम पहले उसका प्रयोग करते हैं, जिसे सुम्बी भी कहते हैं। सेंटर भी कई प्रकार के होते हैं, प्रिक पंच, सेंटर पंच और भी प्रकार के होते हैं जो फिटेड कार्य में या जो फिटिंग थ्योरी होती है उसमें काम में आता है। इसके बाद आता है चीजल। चीजल जिसे हम छेनी कहते हैं, छेनी जो होती है दो प्रकार की होती है, कोल्ड चीजल होती है और दूसरी फर्मल चीजल। फर्मल चीजल का प्रयोग हम ज्यादातर जो लकड़ी के कार्यों में किया जाता है, लकड़ी को काटने के लिए, छीलने के लिए, माइका कार्य के लिए हम इसका यूज करते हैं। और जो कोल्ड चीजल होती है जनरली पतले जो लोहे के तार होते हैं या छड़ी को काटने के लिए, कील को काटने के लिए हम जो कोल्ड चीजल का प्रयोग करते हैं। इसके बाद आता है टेनन्सा। टेनन्सा जो होता है इसलिए हम इसका यूज लकड़ी काटने के लिए, प्लास्टिक की वस्तुओं को काटने के लिए या माइका शीट काटने के लिए इसका प्रयोग कर सकते हैं और विभिन्न प्रकार की आकृति उसे प्रदान कर सकते हैं। इसका आकार 30 सेंटीमीटर तक एक टेक्नीशियन के पास होना आवश्यक है, टेनन्सा जिसे हम कहते हैं। सा का मतलब होता है आरी। होलसा जो होता है, हम पहले जो वायरिंग करते थे उसमें माइका की शीट में हमें क्या स्विच या सॉकेट लगाने के लिए, विशेष आकृति प्रदान करने के लिए, कट करने के लिए क्या किया जाता था, जो की होल सा होता है उसका प्रयोग करते हैं। छोटे छेदों को आवश्यक आकृति प्रदान करने के लिए माइका की शीट में या प्लाईवुड में हम इसका प्रयोग करते हैं। ये क्या होता है, एक छोटी आरी होती है, 2 से 3 सेंटीमीटर चौड़ाई की होती है और 15 से 20 सेंटीमीटर इसकी लंबाई होती है। हेक्सा क्या होता है, पतली चादरों को काटने के लिए, लोहे की शीट को काटने के लिए हम इसका यूज करते हैं। आप देख रहे हैं डायग्राम में, इसमें अलग अलग भाग होते हैं, हैंडल होता है, इसकी ब्लेड होती है जिसे हेक्सा ब्लेड कहते हैं और ये एडजस्टेबल भी होती है, जिसमें विंग नट होता है जो कि उसको एडजस्ट करने के काम में आता है। वीडियो में दी गई जानकारी आपको हेल्पफुल लगी हो तो अपने दोस्तों को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, यदि चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।